So hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of government schemes. Guys, in this session we'll discuss the very important scheme जिससे related कई बार exams में question आ चुके हैं और in future भी आ सकते हैं. So the name of the scheme is प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. Okay, so let's start the session guys, but before we begin do subscribe to our channel and press the bell icon, and also you can join our telegram group for daily quizzes. Okay, and this is the scheme that we are going to discuss today, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. Okay, and let us first try to simplify the objective of the scheme with the help of name of the scheme. So what is the name? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. So मातृ का मतलब क्या होगा? मदर. राइट, मातृ का मतलब क्या होता है? मदर. ओके, आपने जैसे मातृभूमि सुना होगा, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली. सो मातृ का मतलब क्या होता है? मदर. एंड वंदना का मतलब क्या है? प्रेयर. ऑल्दो यहाँ पे वंदना का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यस, कहीं पे भी आपको मातृ वर्ड दिखे या रिलेटेड टू मदर वर्ड दिखे तो आपका दिमाग एक ही तरफ जाना चाहिए, और वो ये कि मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है ये. इसमें किसी भी तरीके का मेटर्निटी बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा टू द प्रेग्नेंट लेडीज. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम. ओके, मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है ये, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके, एंड दीज बेनिफिट्स गाइस आर इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स. ओके, ये इंसेंटिव्स के फॉर्म में होते हैं ताकि जो वुमेन है वो अपने काम पे ना जाए, वो घर पे बैठ के आराम करे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. राइट, सो बेसिकली दिस इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ओके, सो आई होप गाइस द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट इज अ मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम अंडर विच सम इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ताकि वो घर पे बैठ के आराम कर सके ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी पीरियड. राइट, एंड मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री इज वेरी मच क्लियर. द मिनिस्ट्री इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विच इज हेडेड बाय स्मृति ईरानी. हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज अमेठी. नाउ गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी दैट कि यहाँ की जो मिनिस्ट्री है इस स्कीम की, That can also be Ministry of Health and Family Welfare. तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे health related या कोई बीमारी से related या कोई special institutional delivery से related कोई भी चीज नहीं की जा रही. इसमें केवल incentives provide कराए जाते हैं in the form of cash, ताकि जो women है वो अपने घर पे बैठ के आराम कर सके during the pregnancy period. Okay, so that is why ये scheme जो है Ministry of Health and Family Welfare द्वारा implement नहीं की जा रही. This scheme is implemented by the Ministry of Women and Child Development, which is headed by her, and this was launched in the year 2017. So, guys, आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं जो आप normally कर सकते हैं, जो आपको याद नहीं रखना है, एक तो पहला objective हो गया, that is very easy, नाम से ही पता चल रहा है. Then we have ministry can be easily determined, the Ministry of Women and Child and Development, because we are talking about the maternity benefit program. Launch year आपको याद रखने की जरूरत है, that is the things to remember. Okay, and then let's talk about the benefits. Once again, yes. सबसे पहले target beneficiary की बात कर लेते हैं. So remember one thing कि ये scheme launch कब हुई है? 2017 में. तो 1 जनवरी 2017 और उसके बाद से जितनी भी pregnant women और lactating mothers हैं, that can be beneficiary of this scheme. इसमें कोई भी वैसा condition नहीं है कि BPL की महिलाएं होंगी या APL की महिलाएं होंगी या certain कोई कोई भी income condition यहाँ पे नहीं है. Okay, basically ये सबके लिए है, except यहाँ पे किनको एक्सेप्शन में रखा गया है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई इंप्लॉय है लेडी, या स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लॉय है, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की इंप्लॉय है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी उनको भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव PSU की तरफ से ऑलरेडी काफी बेनिफिट मिले हुए होते हैं. एंड इसके अलावा अगर कोई ऐसी लेडी है, अगर कोई ऐसी वुमन है जो कि ऑलरेडी सिमिलर बेनिफिट रिसीव कर रही है फ्रॉम एनी अदर स्कीम, देन that woman is also not included under this scheme. Okay, so target beneficiaries, I hope आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी हर कोई included है, और pregnant women and lactating mothers कब के बाद, जिनकी pregnancy 1 जनवरी 2017 या उसके बाद से शुरू हुई है. Okay, बस exclusion भी याद रखना बहुत easy है guys. Obviously अगर कोई person central government employee है तो क्या उसको इस तरीके की किसी scheme का जरूरत पड़ेगा? नहीं, because उसको ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स और पर्क्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जा चुके हैं. ऑलराइट, एंड अगर और कोई ऑलरेडी किसी स्कीम का बेनिफिट ले रहा होगा, देन आल्सो उसको इस स्कीम की जरूरत नहीं है. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स. सो जो बेनिफिट है वो कैश इंसेंटिव के फॉर्म में आता है ऑफ ₹5,000 का इंसेंटिव दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स.
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है 1000 रुपीज की ऑन द अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जब प्रेगनेंसी हुई तो अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया है एट एनी आंगनवाड़ी सेंटर, किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर पे या फिर किसी भी अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में, तो उसको 1000 रुपीज उस लेडी को, उस वुमन को मिल जाएंगे। ओके, कब मिलेंगे 1000? ऑन अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट एनी आंगनवाड़ी सेंटर अक्रॉस द कंट्री एंड और एट एनी हेल्थ फैसिलिटी दैट इज अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देन 2000 रुपीज की अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगली इंस्टॉलमेंट होगी 2000 की, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इस 6 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर अंदर एटलीस्ट वन एंटीनेटल चेकअप हो जाना चाहिए। ऑलराइट, एंटीनेटल चेकअप एटलीस्ट वन होना चाहिए, देन ओनली 2000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड एंड फाइनल 2000 आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जब जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाएगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा, चाइल्ड बर्थ के रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और कंडीशन है कि जो बेसिक वैक्सीनेशन की डोजेज है लाइक ओपीवी का और डीपीटी का, हेपेटाइटिस बी का, तो इन सभी के जब उसकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी और जब उसके बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन ओनली दिस थर्ड इंस्टॉलमेंट विल बी प्रोवाइडेड। ऑलराइट, एंड अब इसमें एक चीज कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कई कई जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6000 रुपए दिए जा रहे हैं, बट कहीं ऐसा नहीं होता है। एक और स्कीम है जिसका नाम है जनानी सुरक्षा योजना। ऑलराइट, जनानी सुरक्षा योजना एक और स्कीम है जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, कि मतलब कोई जो भी, अगर किसी भी वुमेन की डिलीवरी हो रही है तो किसी आशा वर्कर से हो या आंगनवाड़ी सेंटर में हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ वर्कर के थ्रू हो, तो एट दैट, इन दैट स्कीम सम 1000 रुपीज अलग अलग है। वैसे ये अर्बन एरियाज में कुछ 1400 है और रूरल एरियाज में कुछ 1000 है, तो एवरेज मिला के कितना हो जाता है वो, इस 5000 प्लस इसका एवरेज मिला के वो हो जाता है 6000। ओके, और ये भी 6000 कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये एक एवरेज अमाउंट है ऑफ द रूरल एंड अर्बन। ऑलराइट, सो 5000 ये वाले और 1000 रुपीज ऑन एन एवरेज फ्रॉम द जनानी सुरक्षा योजना, वो टोटल हो जाती है कितने, 6000 रुपीज। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें 5000 रुपीज ही है, जब जनानी सुरक्षा योजना का बेनिफिट मिलता है उसमें ऐड होता है तो वो ऑन एन एवरेज कितना हो जाता है, 6000। एंड जनानी सुरक्षा योजना इज फॉर प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ऑलराइट, सो आई होप गाइस ये आपको क्लियर है। एंड ये जो बेनिफिशियरी था, मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो बेनिफिट्स है, अगर मान लो कि कोई केस ऐसा है, अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है, सपोज कि उसको 1000 रुपीज का ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था ये मिल गया एंड देन उसका मिसकैरेज हो जाता है, बिकॉज ये जो स्कीम है ये केवल गाइस फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, ठीक है, केवल फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, उसके बाद सेकेंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड के लिए ये स्कीम बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं करती, केवल फर्स्ट चाइल्ड के लिए ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सो लेट अस से देयर इज अ वुमन जिसका मिसकैरेज हो जाता है आफ्टर रिसीविंग दिस इंस्टॉलमेंट। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मिसकैरेज होने के बाद जब वो दोबारा से प्रेगनेंट होगी तो क्या उसको ये बचे हुए बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यस, इसका आंसर है हाँ, बिकॉज उसको ये जो दो बेनिफिट्स थे नहीं मिले थे एंड उसका मिसकैरेज हो गया, वो प्रॉपर से जो चाइल्ड बर्थ था वो नहीं हो पाया, तो उसको ये जो बाकी बची हुई बेनिफिट्स हैं ये उसको जो उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा अपकमिंग उसके लिए मिल जाएंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे मिसकैरेज को हम फर्स्ट चाइल्ड कंसीडर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली द चाइल्ड हैज नॉट बीन बॉर्न। ऑलराइट, एंड नाउ द फंडिंग पैटर्न। गाइस, फंडिंग पैटर्न आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज लेट मी टेल यू कि ये जो स्कीम है ये कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑलराइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब आपको अच्छे से पता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर किसी स्कीम को अगर इंप्लीमेंट करती हैं तो, और इसका जो फंडिंग रेशियो है बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेंटर स्टेट का 60-40, सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट होगा तो उसके लिए होगा 90:10 और अगर कोई यूटी होगा तो 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दैट वाज इन न्यूज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की लिस्ट निकाली गई थी, उसमें जो मोर देन 1 करोड़ की पॉपुलेशन वाले स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 था। ऑलराइट, एंड पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ में कौन नंबर 1 था, दादरा एंड नागर हवेली। ऑलराइट, एंड तेलंगाना और उड़ीसा में गाइज ये वाली स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज इनफैक्ट उड़ीसा में नहीं हो रही है और जो तेलंगाना है, तेलंगाना में क्या है कि तेलंगाना के पास अपना मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, तो उनका मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम और ये जो पीएमएमवीवाई है ये दोनों मिलके वो चला रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के अंदर
ये नहीं चल रहा है, उड़ीसा का खुद का मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है वो चला रहे हैं. ओके, सो दैट इज वाई दिस स्कीम वॉज इन न्यूज. एंड नाउ लेट मी टेल यू कि कौन सी चीजें आपको याद करने की जरूरत है. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आई होप ऑब्जेक्टिव याद हो गया है. ऑब्जेक्टिव क्या था? मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है टू प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स टू द वुमेन ताकि वो घर पे बैठ के आराम कर सके, और ये केवल फर्स्ट चाइल्ड के लिए है. ओके, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मिनिस्ट्री क्लियर है, मिनिस्ट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन डेवलपमेंट. दिस इज थिंग टू रिमेंबर. ओके, लॉन्च ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. इसके अलावा टारगेट बेनिफिशियरी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है. सारी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल है जिनका प्रेगनेंसी 1 जनवरी 2017 या उसके बाद से है, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, राइट. और इसके लिए गाइज आपको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़नी चाहिए आई गेस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अगर पीएसयू के एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ बेनिफिट. बेनिफिट आपको याद रखने पड़ेंगे 1000, 2000 और ये 6000. एंड इसके अलावा फंडिंग पैटर्न भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर. ओके, सो इसमें बहुत कम चीजें थी जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, सिर्फ गिनी चुनी. एक तो बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं और दूसरा आपको लॉन्चर याद रखना है. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू थिंग्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू एफर्टलेसली अगर आपने सेशन को अच्छे से समझ लिया है. ओके, एंड नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. अंडर दिस स्कीम हाउ मच इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन, कितना इंसेंटिव दिया जाता है? सो इन टोटल 5000 रुपीज दिया जाता है. एंड रिमेंबर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए 6000 में, क्योंकि यहाँ पे केवल PMMVY के बारे में पूछा गया है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन टू, विच स्टेट वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन 2020 अंडर द स्कीम इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़. सो दिस स्टेट वॉज मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर. एंड द स्टेट विथ पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़, दादरा एंड नागर हवेली वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट. ओके, विच मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम PMMVY? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, आपको याद रखना है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी नहीं है, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ हेल्प टू द प्रेग्नेंट वुमेन. सो दिस इज अ केस ऑफ एम्पावरमेंट, सो दिस मिनिस्ट्री कैन बी द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री. बट नो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री. एंड द क्वेश्चन नंबर 4, Which two states are not implementing or implementing with their own maternity benefit program? So the two states are Telangana and Odisha. Telangana के पास खुद का maternity benefit program है, Odisha के पास भी है. Telangana लेकिन अपने benefit program के साथ, अपने maternity benefit program के साथ साथ इसको भी jointly चला रहा है. Okay, so 3 and 4 will be the correct answer, option C. Okay, and guys that's it for the session. I hope आपको ये scheme clear है. दोबारा से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड आई होप आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने सेशन अच्छे से देख लिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले हफ्ते 2 नई धमाकेदार स्कीम के साथ. टिल देन डू वॉच anujindal.in. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.